आप लोगों को हम साइंस में पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बता चुके हैं, फिर भी आज हम हेडिंग में डाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं पिक्चर्स में क्या है, रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव और फ्लावर। ये क्या हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। कल हम आप लोगों को रूट के बारे में बता चुके थे, जिसमें था टैप रूट और फाइबर रूट, और अब आगे हम आप लोगों को स्टीम के बारे में बता रहे हैं। स्टीम क्या होता है, स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट। रूट पार्ट क्या होता है, सूट पार्ट क्या होता है, कल ये हम बता चुके थे आपको। स्टीम जो है वो क्या होता है, मेन पार्ट होता है सूट का। द सूट ग्रो एबव द ग्राउंड, सूट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है। द स्टीम इज स्ट्रॉन्ग एंड थिक इन ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक, पेड़ का वो भाग जो स्टीम स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है, वो उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंक। जैसे कि आम के पेड़ में आप लोग देखे होंगे एकदम मोटा होता है, या बनियान ट्री में देखते हैं वो क्या होता है, बीच का जो लकड़ी, जिससे क्या हम लोगों को क्या होता है, काठ मिलता है, जिससे हम लोग कोई भी घर का फर्नीचर तैयार करते हैं। किससे करते हैं, तो प्लांट्स के ट्रंक भाग से ही। सर्व, सर्व क्या है, सर्व हैव हार्ड एंड वुडी स्टीम। इसका स्टीम क्या होता है, हार्ड होता है और लकड़ी का होता है। जैसे आप लोग रोज़ प्लांट देखे होंगे, रोज़ का कैसा होता है, या तुलसी प्लांट होता है, टमाटर के पौधे, ये सब पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, ये लोग सर्व कहलाते हैं। ये जो है मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 मीटर तक होते हैं ऊँचे, और इन सब की इनकी जो स्टीम होती है वो मजबूत होती है, पर ये ट्रंक नहीं होते हैं, ये पतले होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं, उसको सर्व कहते हैं। आप लोग सर्व के बारे में पहले से पढ़े होंगे, जैसे गेंदा का फूल देख रहे हैं, रोज़ का फूल, ये प्लांट सर्व होते हैं। अब आगे है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स है वीक एंड सॉफ्ट स्टीम। इसका स्टीम क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जांपल में दिया हुआ है, ग्रास एंड कोरिएंडर। ग्रास मीन्स क्या हुआ, घास, और कोरिएंडर क्या हुआ, धनिया का पत्ता। धनिया पत्ते की चटनी खाते हैं आप लोग, तो वो क्या हो गया, ये क्या होता है, हर्ब्स होता है। इनका स्टीम पूरा ग्रीन होता है। अब नेक्स्ट है क्लिम्बर्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं, द स्टीम ऑफ ए क्लिम्बर इज वेरी वीक एंड नीड सपोर्ट ऑफ ए वॉल स्टिक ईटीसी टू स्टैंड। क्लिम्बर्स वो होता है, वैसा प्लांट्स होता है जिसका ये स्टीम जो होता है क्या होता है, पूरा ही कमज़ोर होता है, और उसको ज़रूरत पड़ती है दीवार, मतलब वैसे प्लांट्स जो ऊपर चढ़ने के लिए उसको दीवार की ज़रूरत पड़ती है, किसी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है, क्लिम्बर्स कहलाता है। जैसे कि ग्रेप्स का देख रहे हैं आप लोग, फोटो दिया हुआ है, ये ग्रेप्स का प्लांट जो है वो क्लिम्बर्स है। आगे है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है, वो हम आप लोगों को पढ़ाते थे। स्टीम ऑफ ए क्रीपर्स ओनली ग्रो अलोंग द ग्राउंड एज इट इज वेरी थिन एंड वीक। क्रीपर्स वो होता है, ऐसे प्लांट्स जो ग्राउंड के साथ बढ़ते हैं, नीचे ज़मीन पे बढ़ते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन या पम्पकिन, कद्दू, लौकी आप लोग खाएं, इन सब के प्लांट्स जो हैं ये सब क्या हैं, ज़मीन के साथ खेतों में बढ़ते हैं, नीचे ही बढ़ते हैं। इन लोगों को इसकी जो दीवार या कोई स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्रीपर्स कहलाते हैं। जिसको जो ऊपर वैसा प्लांट्स जिसमें बेल होता है, मतलब लताएं होती है, और जो दीवार पे चढ़ती हैं वो क्लिम्बर्स कहलाता है, और जो ग्राउंड के साथ होता है वो क्रीपर्स कहलाता है। क्लिम्बर और क्रीपर्स क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। सम स्टीम हैव एक्स्ट्रा फूड स्टोर इन दैम लाइक शुगर कैन, जिंजर एंड पोटैटो। ये सब क्या है, ये सब भी एक तरह के स्टीम ही हैं। शुगर कैन, आप लोग गन्ने का जूस पीते हैं तो वो क्या है, वो स्टीम ही है। जिंजर मतलब अदरक आप लोग खाते हैं, अदरक जो है वो भी स्टीम है। आप पोटैटो, पोटैटो खाते हैं आप लोग, सब्जी खाते हैं तो वो भी क्या है, ये स्टीम में ही गिना जाता है, ये लोग स्टीम में ही आते हैं। तो इन लोगों का जो है ये सब मतलब एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं, ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, ये हम लोग खाते हैं स्टीम के तौर पर। और सब प्लांट्स जो होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट में, जैसे स्टीम होता है, जैसे किसी भी प्लांट का स्टीम है उसको हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे गुलाब का स्टीम हुआ या तुलसी का स्टीम हुआ, इन सबको हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ शुगर कैन, जिंजर और पोटैटो जो है ये हम लोग खाते हैं। अब आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को ब्रांचेज और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। थैंक यू।